आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग ओरियो बॉल्स की रेसिपी। और इसे हम सिंपल ओरियो बॉल्स की तरह नहीं बनाएंगे, इसमें हम डालेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टफिंग। और ये बहुत ही ज़्यादा क्विक रेसिपी है, और अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ हमने लिए हैं 2 पैकेट्स ओरियो बिस्किट्स। एक पैकेट में 12 बिस्किट्स होते हैं, तो ये टोटल 24 बिस्किट्स हमने यूज़ किए हैं। और यहाँ मैं चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट यूज़ कर रही हूँ, आई मीन जो चॉकलेट क्रीम फ्लेवर का होता है वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो वनीला क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप डिफरेंट वेरिएशंस चाहते हैं तो इसका एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आता है, उसको यूज़ करके भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो अब इसके बाद हम ये जो ओरियो है इसमें से क्रीम को सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह से हल्के हाथों से आप ओरियो को डिवाइड करें और किसी नाइफ से इस तरह से क्रीम को सेपरेट कर दें। और इसी तरह से हम बाकी के सारे बिस्किट्स में से क्रीम को अलग कर देंगे और बिस्किट्स को अलग बोल में निकाल के रख लेंगे। और ये जो क्रीम है हमें इसी की फिलिंग बनानी है। और अब मैंने ये जो बिस्किट्स हैं और क्रीम जो है इनको सेपरेट कर लिया है। तो ये एक सेपरेट बोल में क्रीम हमारी रेडी है। इसको मैं थोड़ा सा स्मूद आउट कर लूँगी, यानी कि इस तरह से स्पून की हेल्प से प्रेस करते हुए थोड़ा सा डो शेप आ जाए इसका, तब तक इसको इस तरह से स्मूथ कर लूँगी। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे लगभग 10 मिनट के लिए। और अब एक मिक्सर ग्राइंडर लेके उसमें हम ओरियो को, जो ओरियो हमने जिसमें से क्रीम निकाल के रखी है, उन ओरियो बिस्किट्स को डाल के हमें इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। तो ये जो हमारा ओरियो का फाइन पाउडर है ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके चॉकलेट सिरप। आप चाहें तो होममेड चॉकलेट सिरप भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी ब्रांड का आप चॉकलेट सिरप यूज़ कर सकते हैं इसमें। और अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो आप बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके मिल्क इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको मिल्क ऐड करके बनाएंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से नहीं आएगी, थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगी ओरियो बॉल। और बहुत ही कम कम आपको मिल्क उसमें ऐड करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कोशिश करें कि आप इसको चॉकलेट सिरप यूज़ करके ही बनाएं। और इस तरह से डो बनाने के बाद हमें इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है इस तरह से। अभी मैं इनको रफली डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि अभी इसके अंदर मैं फिलिंग भी ऐड करूँगी, तो इसीलिए इस डो को हमने बिल्कुल रफ पोर्शंस में ही डिवाइड किया है। और ये सारे पोर्शंस रेडी हैं। अब इसके बाद हमें एक पोर्शन लेके इस तरह से फ्लैटन कर लेना है और इसके अंदर हमें ऐड करनी है फिलिंग, जो कि हमने फ्रिज में रखी थी। फ्रिज में रखने से थोड़ी सी सेट हो जाती है, जिससे कि इसको बनाने में ईजी होता है। और अब इसके बाद हमें फिलिंग को सेंटर में रख के क्लोज कर देना है ये जो डो है इसको। और ऐसे दोनों हथेलियों के बीच में हमें इसको राउंड शेप दे देनी है, जिससे कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो बन गई हमारी स्टफ्ड ओरियो बॉल। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप चाहें तो स्टफिंग ना ऐड करके डायरेक्टली ओरियो को विद क्रीम पीस के भी इसे बना सकते हैं। तो हमारी सारी ओरियो बॉल्स बनके तैयार हैं। अब इसको हम बिल्कुल 5 मिनट के लिए अलग रख देंगे, जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाएं। और उसके बाद हम इसे कोट करेंगे चॉकलेट से। तो यहाँ मैंने मेल्टेड चॉकलेट ली है। आप इसे डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं, या फिर छोटे टुकड़ों में चॉकलेट को कट करके लगभग 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दें, तो इस तरह से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। बट बीच बीच में चलाते ज़रूर रहें चॉकलेट को जब आप मेल्ट करें, वरना ये जल सकती है। और अब एक एक करके सारी ओरियो बॉल्स को हम कोट कर लेंगे चॉकलेट में। चॉकलेट बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए इस स्टेज पे, वरना इसकी लेयर उतनी अच्छी नहीं आएगी इन ओरियो बॉल्स के ऊपर। और अब मैंने इसको फोक पे निकाल लिया है और हमने इसके लिए पार्चमेंट पेपर रखा है साइड में, और इस पार्चमेंट पेपर पे हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप किसी प्लेट को ऑयल से ग्रीस करके भी इसे उस पर रख सकते हैं। तो चॉकलेट जो है ना वो प्लेट पे चिपकेगी नहीं, अदरवाइज आपको चॉकलेट छुड़ाने में दिक्कत आएगी प्लेट से। तो ऑयल ज़रूर कर लें प्लेट को। और अब हमारी सारी ओरियो बॉल्स बनके रेडी हैं, और अब हम इनको सेट होने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि चॉकलेट अच्छी तरह से इस पर सेट नहीं हो जाती। और उसके बाद हम इसे गार्निश करेंगे थोड़ी सी मेल्टेड वाइट चॉकलेट के साथ, और उस पर ऐड करेंगे कलरफुल या फिर सिल्वर स्प्रिंकल्स। तो तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी सी ओरियो बॉल्स विद
डिलिशियस चॉकलेट लेयर एंड इंटरेस्टिंग चॉकलेट फिलिंग। तो आप भी इस रेसिपी को घर पे बना के जरूर ट्राई करें, और फेस्टिवल सीजन में अगर आप मिठाई से हटके कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको क्लोजअप में दिखा देती हूँ कि ये कितनी बढ़िया बनी है। तो ये मैंने सेंटर से इसको कट किया है और ये देखिए बढ़िया सी फिलिंग है, चॉकलेट की लेयर है और ये बहुत ही टेस्टी है। तो आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसे अगर आप ट्राई करें तो हमारे साथ पिक्चर्स भी शेयर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।